हि धर्मस्य। गाइज आज हम फिर बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है तो उसी काम से हम दोनों बाहर जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, इस टाइम तो वैसे धूप हो चुकी है, धूप तेज हो। मैं तो थोड़ी देर धूप में खड़े हो रही हूँ क्योंकि यार हमें ऊपर धूप नहीं मिलती है बिल्कुल भी, यहाँ धूप में अच्छा लग रहा है। तो अभी बहुत ज़रूरी काम है तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर, और क्या काम है ये आपको वहीं पे जाके पता चलेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होता ना तो मैं फिर जाती नहीं, कुछ इमरजेंसी है इसीलिए जाना पड़ रहा है। क्या करें गाइज, हम भी एक बाइक ले लें क्या? हाँ, हर जगह हमें गाड़ी निकालनी पड़ती है, कहीं थोड़ा दूर का सफ़र होता है तो। लेकिन अभी हमें लोन का पैसा भी बहुत ज़्यादा भरना है तो समझ नहीं आता कि क्या करें, बाइक लें या लोन में डाल दें, क्या करें। एक एक पैसा जोड़ना पड़ रहा है, या तो बाइक ले लें या लोन में डाल दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ बाइक वाइक रहने देते हैं, बाइक कभी बाद में देख लेंगे, पहले लोन हमें अपना ख़त्म करना है। गाइस बहुत टाइम हो गया हमारे लोन को, बहुत टेंशन होती है इस बात की। ले आओ यार, ठीक ला रहे हो, एकदम स्ट्रेट लेके आ जाओ, आ जाओ स्ट्रेट, आ जाओ स्ट्रेट, आते जाओ। देख रहे हो मैंने गाड़ी निकालना सिखा रही हूँ, ऐसा ही कुत्ता नहीं हट रहा। एक तो अब हटा जाके, आओ एकदम स्ट्रेट लेके आओ। ये गाड़ी तो हमारी स्टार्टिंग में टूट गई थी जिस टाइम हमने ली थी, मेरे एक भी बात नहीं मानते यार। तो क्या गाड़ी भाग जाएगी तेरी? ये देख रहे हो, ये मेरी कुछ भी बात नहीं मानते। कह रही है कि उस गाड़ी के साथ फोटो खिंचवानी है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, मैंने मुझे इन्होंने मास्क पहने दिया, सीधा गाड़ी चलाने वो नहीं है, रास्ते में चलते चलते हो जाता है वो, 2 मिनट के काम। थोड़ा वेट करते यार, आप कैसे इंसान हो, पकड़ो। ये तैयार भी नहीं होने दे रहे, तैयार इसमें तैयार हो गए, फुल सेफ्टी के साथ तैयार हो रहा है ना, इसको खींचना पड़ रहा है। अरे यार इसको खींचना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल से खींचती है बेल्ट, और मास्क लगाना जरूरी है गाइस, जरूरत है उस दिन। बाप रे, 100% चलान कटता अगर मेरे पास क्या कागज नहीं होते तो, है ना सर? जाने क्या और क्या, पेट्रोल डलवा के वापस चलेंगे घर? ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं मेरे झूठे एक नंबर के। पता नहीं कहाँ पे जरूरी काम से आए हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ भी अच्छा लगता है जब भी आते हैं ना, मुझे तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है एरिया। देखिए गाइस अभी हम अपने फ्लैट पे ना रेनोवेशन का काम करा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। उस दिन जब आए तो आप कह रहे हैं यहाँ कोई हरियाली नहीं, देखो कितनी तो हरियाली है यहाँ पे, पेड़ पौधे सब हैं यहाँ पे, पार्क वगैरह भी है यहाँ पे। और ये देखिए ये गाइस अभी हम जा रहे हैं उनके पास, जिन्होंने भी हमें फ्लैट दिलवाया था, ये तो वही हमारे यहाँ पे रूम पे ना सफाई का काम करवा रहे हैं। गाइस हम पहुँच गए हैं अभी फ़िलहाल डीलर के पास जा रहे हैं, और देखते हैं कितना काम उन्होंने करवाया है। अभी हम अपने फ्लैट पे भी जाएंगे। तो गाइस अभी हम आए हैं डीलर से मिलके, जिन्होंने भी हमें पहले फ्लैट दिलवाया था हमारा, तो इसमें तो काम चल रहा है, सफाई वगैरह जो भी था वो चल ही रही है। अभी फ़िलहाल मैं सोचूँ ना एक दो फ्लैट यहाँ पर देख लूँ, क्योंकि हालात ऐसे आ गए ना कि लग रहा है हमें रेंट पे रहना पड़ेगा। नहीं है? क्या पता भाई, किस्मत खराब होगी तो रेंट पे भी रहना पड़ सकता है, वही ना। ये तो, वक्त तो अभी हम यहाँ पे एक दो फ्लैट देखेंगे। गाइस ये हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे हमारा फ्लैट है तो हम ऊपर जा रहे हैं, जरा देख के आए क्या क्या काम हुआ है। अभी वैसे हुआ नहीं है, चल रहा है काम, फिर भी यार काफ़ी हो गया, बहुत हो गया। जब आए थे ना तो ऐसा लगा कुछ देख लिए कि जैसे यहीं पे पागल हो जाएंगे हम देख के। गाइस ये देखे काम चल रहा है, देखे फर्श काफी हद तक साफ हो गया है, ये कोने कोने भी तो साफ करोगे ना? अच्छा काफी, वैसे काफी हद तक तो साफ कर दिया, नीचे का जितना भी सामान था वो सब हटा दिया इन्होंने। और इधर ये टॉयलेट, ये सब, ये तो सब कुछ तोड़ ताड़ के गए हैं यार। वो वाला टॉयलेट का सत्यानाश क्या हुआ था, इस वाले को देखना, ये क्या आपने आवारे लड़कों को रख दिया था, किसे रखा था? देख जब आते हैं ना तो सब सीधे बन के जाते हैं, और जब जाते सीधे तो कोई नहीं होता यार। देख रहे हो अभी सारा कुछ देख रहे हो, टॉयलेट वगैरह नीचे का तो थोड़ा बहुत साफ हो गया, पहले से तो बहुत ही हो गया, अभी काम चल ही रहा है। अभी तो यहाँ पे ये पेंट वगैरह सब होने बाकी है, ये झूमर वगैरह भी साफ हो जाएगा ना?
वो सब नहीं आएगा। तो कौन ये रहेंगे ना? नहीं वो तो, पेंट वाला आएगा तो। हाँ पेंट वाले तो ये तो अभी डिसाइड करने वाले। अच्छा कपड़े सपड़े पड़े सिलवाना है, ये सब गद्दों पे जो पड़ा हुआ है ना इनको फेंकवा दो। सुन ले क्या क्या? हाँ तो ले जाओ बाहर निकाल लो तो सारे भी जाएंगे ले जाओ। ये ऐसा करो ये फोल्डिंग वोल्डिंग सब ले जाना उठा। पर भाई हमारा ना थोड़ा फर्ज अच्छे से करवा देना क्योंकि हम इसे बेकेंगे ना आप ले जाना आप। ये किराएदार के ही सब हमारा कुछ नहीं था। हाँ अगर तुम्हारे काम आ जाते तो ले ये मेज भी। ये क्या ये मेज भी ले जाना। भरद्वाज जी पूछेंगे ना कि कौन ले गया बोल देना कि उन्होंने बोल दिया आप ले जाओ। मैं बोल दूंगा नहीं हम भी जाएंगे ना उधर। बाकी ऐसे मत करना कि अलमारी अलमारी उखाड़ के ले जाओ नहीं। बस हमारे फर्श से ना अच्छे से चमका देना है ना। अभी अंदर वाला नहीं होना भैया? अंदर वाला नहीं हुआ कब से कर रहे हो? कल से कर ये कोने वगैरह भी कर देना सही से है जितना अच्छा हो सके। और इसके अभी ये बालकोनी का ये कोने कोने नहीं हुआ करो छोटी मशीन से होगा। हाँ वहाँ पे बड़ी मशीन नहीं पहुँचेगी। क्या करो इसके अंदर क्या है उस दिन तो काफी कुछ था ही लोहा हुआ ये लोहा हुआ जो है ना है बेच देना अपने आप जो सफेदी होगी तो फिर वो उसके बाद हो जाएगा। अभी तो सफेदी का काम बचा हुआ है इसमें। चलो आप देख लो कर लो ठीक है ना। तो मेज तो दो हैं एक मेज वो रखे एक मेज ये रही ले देख लेना आप भैया ये मेज भी ले जाना ठीक है बाकी अच्छा कर देना है। चलो ठीक है। तो अभी हमारे कमरे की सफाई हो रही है नीचे फर्श वगैरह घिसाई चल रही है और हम जा रहे हैं वापस से नीचे। पहले मैं सोची ये सब तो निकाल लिया होगा। कोई नहीं वो कहते रहा मैं ले जाऊंगा। हाँ वो कहते रहे थे ले जाएगा फिर वो ठीक है यार। चलो गाइस अभी हम जा रहे हैं डीलर के पास लेकिन फिर रह नहीं पाओगे काम ही काम। मैं अपना ऑफिस बना लूँगी ना खुद का। गाइस ये भी हम इधर फ्लैट देखने आए हैं इधर ही आए हैं ना देखते हैं कैसा लगता है। गाइस अभी हमने तीन फ्लैट देख लिए समझ नहीं आ रहा कुछ देखते हैं घर जाकर डिसाइड करेंगे। देख रहे हैं बच्चे वीडियो कॉल कर रहे हैं हमारे और अभी हम फिर से एक फ्लैट देखने आ गए हैं। अगर समझ आ जाता तो देखते हैं क्योंकि मुझे इस तरफ तो समझ आ रहा है काफ़ी स्पेस है इधर की तरफ बस चल रहा है लेकिन सर में आज कल बहुत दर्द रहने लगा है। और ये बाहर के ये बंद नहीं किया हुआ ये भी ऐसे बंद होगा ना। अच्छा ये सारा एरिया अच्छा तो ये तो कुछ समझ आ रहा है मुझे। अच्छा यहाँ पे कैसे मजबूत हैं ये उधर वाले ने ज़्यादा कवर कर लिया तुम भी अपना यहाँ पे चल सकते हो कहाँ तक कर गाइस यहाँ पर नहीं यहाँ पे ना बंदर है और मेरी तो हवा निकल गई मैं साथ ही रहूँ यार। नहीं भैया हमारे भी फ्लैट में बंदर मैंने देखे हैं पर मुझे पता नहीं था इतने ज़्यादा बंदर हैं इधर पर जगह तो काफ़ी मतलब रोड थोड़ा है सही। खा लो खा लो खा लो देखो अब तो मुझे हर कब यार मैं बहुत बहुत डर गई बंदर से सही। कौन सा ये वाला? अच्छा ये तो काफ़ी बड़ा है ये बालकोनी है हैं कवर क्या करना है वो साफ रहने है। अच्छा तो ये कितने पड़ेगा गाइस ये वाला तो काफ़ी बड़ा है और ये देखिए ये एक कमरा ये भी है ये पर काफ़ी बड़ा है यार। अच्छा इधर से भी एंट्री इधर से भी एंट्री वो टॉयलेट है एक बालकोनी है इधर तो हॉल हो गया वही है ना एक कमरा ही हो गया एक कमरा ही हो गया एक का एक ही हो गया। देखो उन्होंने सॉफ्टवेयर जैसा मार्बल वगैरह करवा रखा है
इतना एरिया तुम अपना वहाँ तक कवर कर सकते हो। कौन से कहाँ से कहाँ तक? ये नीचे ये वाली काली पन्नी दिख रही है ना, काली पन्नी हाँ, नीचे तक हाँ। अपना बढ़ा सकते हैं, इतना बढ़ा लो यानी एक कमरा यहाँ से हाँ यहाँ से। लेकिन फिर ये भी है वो नीचे वाले से बात करनी पड़ेगी ना। हाँ दोनों से मिल के बात करनी पड़ेगी तब लैंड तो बनवाने देंगे वो। जो नहीं बनवाते वो नहीं करेंगे, उन्हें तो फायदा रहेगा, उनका भी कोड हो जाएगा। फिर भी काफ़ी ये भी एक कमरा है पूरा, एक रूम निकल आएगा। हाँ तो ये इसकी कितनी डिमांड है? और ये क्या है? ये क्या है? अच्छा इसी साइड है। अच्छा ये क्या फिर? अच्छा किचन है। अच्छा भैया इसमें अभी शिफ्रा में वो गैस पाइप लाइन का सीन नहीं हुआ? आईजी अच्छा आईजी लगा हुआ अच्छा। अच्छा वैसे जैसे मम्मी के यहाँ पे तो इनमें जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर है उसमें नीचे जमीन मिल रही है? ये कौन सी जो ग्राउंड फ्लोर की है ना हाँ वो जमीन तो वही मैंने इनसे बोला कह रहे मुझे उसका पता नहीं वो कितने तक का रहेगा। ये ग्राउंड फ्लोर की जमीन थोड़ी ना है, ग्राउंड फ्लोर बैक साइड की जमीन है ना वो। चल देख लेंगे मैं दिखा देता हूँ पीछे से। हाँ दिखा दो। वैसे ये मुझे पसंद आया। गाइज ये देखें यहाँ जगह जगह ना बंदर है और ये दिख भी रहा है छुप गया है कहीं सीधा मेरे ऊपर छलांग ना लगाए। दिखा वो छुप गया यार, यार आप तो भाग लिए। देखिए ये बैठे पावे मुझे फोन छीन लेते हैं क्या? तो खाने की सोचेंगे ये चीज़ तो वैसे बहुत गलत है। अरे वैसे ही होगा ना जैसे मम्मी का बाहर जाके इकट्ठे शॉपिंग करना ये होगा। हाँ तो मैं यहाँ पर रहूँगी तो अपने स्कूटी चलाना सीख जाऊँगी, स्कूटी पे बैठूँगी आराम से। देखो जगह है कितनी चलाने के लिए, स्पेस नहीं कितना सीखने के लिए। और क्या अगर सस्ते में लेना तो वो ऊपर वाला भी अच्छा लगा था जो दिखाया था उसमें, लेकिन उसमें वो ये नीचे उतरने का फिर वही आलस आएगा है ना। देखा यहाँ आके ग्राउंड पर डग गए। वैसे मेरे को लेना है तो ग्राउंड लेना है मेरी, मैं ले तो जमीन ले बोला था ना बोला था। अच्छा ठीक है तो हम जा रहे हैं घर की तरफ अपनी। सर बहुत दर्द हो रहा है, ये देखिए बैक साइड ये देखिए ये जा रहे हैं घर हम अपने। कैसे लगे आपको फ्लैट? गजब मस्त एकदम। हाँ यार आज हमने ना फ्लैट देखे हैं गाइस, बहुत शानदार फ्लैट थे और रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी है, बहुत बड़े बड़े फ्लैट थे। तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ इधर तो आप पास में, मैं दीवारों से नहीं बात कर रही तुमसे बात कर रही हूँ, इधर की तरफ आना यहाँ पे तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत बड़े बड़े फ्लैट थे तो हम सोचे ग्राउंड फ्लोर लेने के चक्कर में हैं। तो कितने का है अब वो नहीं बताऊंगी, वो लास्ट में बताऊंगी जब लेने का जब फाइनल हो जाएगा ना जब लेना पूरा डिसाइड हो जाएगा ना तब देखते हैं, अभी तो थोड़ा प्रोसीजर चल रहा है आप देखो कब लेते हैं। तो अभी हम आज फ्लाइट ही देखने गए थे और वहाँ से दिखाया था मैंने आपको कि रास्ते में सभी यहीं से अपने घर के पास से मोमोज भी लेके आए हैं क्योंकि मेरे तो सर में इतना दर्द चल रहा है कुछ टाइम से गाइस, मैं बता नहीं सकती पता नहीं क्यों, नहीं तो पहले दर्द सिर दर्द रहता नहीं था लेकिन कुछ दिनों में मेरे फिर से सर दर्द रहने लग गया। मेरा बंदर देखे और वो बंदर उस जगह कितने हाँ मेरे तरह थे मोम की बहुत डेंजर थे, मैं तो बहुत तेज चिल्लाई थी। तो चलिए गाइज मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अगर फ्लैट हमें पसंद आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाई दूँगी। और अब फिलहाल मैं यहाँ पे चाय पानी हम फिर पी लेते हैं और ये मोमोज भी खा लेते हैं। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से कहती हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।